तो हेलो स्टूडेंट दिस इज मी हेमंत सर और आज हम और एक जे एडवांस 2022 का एक क्वेश्चन करेंगे ठीक है दिस इज फ्रॉम थर्मो ठीक है थोड़ा सा टफर साइड में लगता है इनिशियली uh, बट है काफी ज्यादा इजी ठीक है क्वेश्चन पढ़ लेते फटाफट से द क्वेश्चन इज टू मोल ऑफ ए जी इन गैशियस फेज इज कम्बस्टेड इन अ फिक्सड वॉल्यूम बॉम्ब कैलोरीमीटर ठीक है फड़ is, अब बॉम्ब कैलोरीमीटर होता क्या है नॉर्मल कैलोट कैलोरीमीटर जैसा ही होता है बट उसको uh, अंदर के सॉल्यूशन uh, का कम्बर्शन फाइंड आउट करने तो जो भी सब्सटेंस अंदर होगा उसका कम्बर्शन कितना हुआ है हीट कम्बर्शन कितना है हीट इवॉल्व कितना हुआ है वो फाइंड आउट करते हैं हम लोग ठीक है अगेन इन इट इज़ अकरिंग इन द एक्सेस ऑफ ओ टू ठीक है एट टू नाइनटी एट कैलविन ऑल राइट एंड वन ए टी एम इन टू एच जी ओ सो बेसिकली एच जी इज गेटिंग कन्वर्टेड टू मोल्स आई विल राइट इट डाउन 2 mole of Hg is getting converted into HgO, which is in the solid phase. Hg was in the gaseous phase. Okay? Now, during the reaction, temperature increases from 298 uh, Kelvin to 312.8 Kelvin. So, okay? I will write over here T1 was 298.0 Kelvin, T2 was 312.8 Kelvin. Okay? इफ द हीट कैपैसिटी ऑफ बॉम कैलोरीमीटर एंड एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एच जी इन टर्म्स ऑफ इन गैश फेस आर तो यहां पर हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखा है फॉर बॉम्ब कैलोरीमीटर आई राइट बी सी ओवर हेयर विच इज ट्वेंटी किलोजूल पर कैलवीन ठीक है और क्या क्या चीजें दे रखी है And again, enthalpy of formation, so enthalpy of formation, which is nothing but H and it is 61.32 kilojoule per mole, all right, respectively. Now, the calculated standard molar enthalpy of formation of HgO at 298 Kelvin. इज एक्स वी हैव टू कंसिडर इट एज एक्स ठीक है कैलकुलेटेड स्टैंडर्ड मोलार एंथलपी ठीक है उसका वैल्यू एक एक्स आया है ऑल राइट ना द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ एक्स इज वर्ड नो वी हैव टू सर्च फॉर द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स सो टेक्निकली हमको एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है और क्या क्या चीज़ें दे रखी है वैल्यू ऑफ आर गैस कॉन्सेंट दे रखा है विच इज एट पॉइंट थ्री बस ठीक है और ये सारी चीज़ें हमको प्रोवाइडेड है हैंट ठीक right, है टेम्परेचर डिफरेंस अगर हम देखें बाई दिस इफ यू हैव टू कैलकुलेट दी डेल्टा टी तो हमको क्या करना पड़ेगा थ्री वन एट पॉइंट एट कैलविन माइनस टू नाइनटी एट सो इट विल बी कमिंग अराउंड फोर्टीन पॉइंट एट ये हो गया आपका टेम्परेचर का डिफरेंस ठीक है चेंज इन टेम्परेचर ऑल राइट नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन इफ वी लेट्स फाइंड आउट द हीट इवॉल्व ठीक है हीट इवॉल्व अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो द फॉर्मूला फॉर हीट इवॉल्व इज नथिंग बट सी डेल्टा टी वेर सी इज नथिंग बट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर बॉम्ब कैलोरीमीटर एंड डेल्टा टी हम लोगों ने जस्ट फाइंड आउट किया है ऑल राइट सो इट विल बी विल बी ट्वेंटी इंटू फोर्टीन पॉइंट एट द आंसर फॉर दिस विल बी अराउंड टू नाइंटी सिक्स किलो जूल ठीक है यह आपका एक हीट इवॉल्व हम लोग को मिल गया है दट इज नथिंग बट क्यू ऑल राइट लेट जस्ट कीप इट असाइड ओके Now this was the complete heat evolved. If I have to find out heat evolved per mole, ठीक है अब starting में हमको पता था how many moles of HgR mercury is used? Two moles यहाँ पे दिया गया ठीक है, है और दो मूल्स के लिए अगर 296 नाइंटी किलो जूल है तो वन मोल के लिए ऑफकोर्स वी हैव टू डिवाइड ठीक है तो डिवाइड कर लेंगे इट विल बी टू नाइनटी सिक्स डिवाइडेड बाई टू विच विल बी वन फोर्टी एट किलो जूल नाउ अगेन राइट इट आज पर मोल ठीक है ये इंफॉर्मेशन हमको मिल गई है गेटिंग मी फर्दर लेट्स से इफ आई हैव टू कैल्कुलेट हीट इवोल्व है राइट ठीक है तो यहाँ पे हीट इवॉल्व हम हमेशा नेगेटिव में कंसिडर करेंगे वी हैव टू कंसिडर दिस एज माइनस वन फोर्टी एट किलोजूल पर मोल ओके नाउ इंटरन चेंज इन इंटरनल एनर्जी अब ये जो हीट इवॉल्व हुई है वो इंटरनल एनर्जी में से ही हुई होगी राइट right? So, whatever the change in elect uh, internal energy is, is nothing but the same as heat evolved, which will be minus 148 kilojoule per mole. Alright? Getting me? I'll write it down over here. Internal energy change is equal to heat evolved all right now, let's just consider the reaction the chemical equation for this how it's actually working we are starting with Hg in terms of gaseous phase we will be adding of course here combustion is with excess of oxygen एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन वी हैव टू कंसिडर बट अगेन वी वी आर वॉट वी आर फॉर्मिंग वी आर फॉर्मिंग एच जी ओ तो यहाँ पे हम ओ टू यूज नहीं कर सकते सो आई राइट इट एज वन बाई टू ओ टू ठीक है सो बेसिकली हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन वी आर यूजिंग ओवर हियर गेटिंग मी ठीक है इन द फेज सॉलिड फेज और ये भी गैशियस फेज में आ जाएगा ठीक है ऑल राइट ना इफ वी हैव टू कैलकुलेट चेंज इन नंबर ऑफ मूल्स चेंज इन नंबर ऑफ मूल तो नंबर ऑफ मूल्स में चेंज कैसा हुआ है अगेन इट इज रिस्पेक्टेड टू मर्क्यूरिया बाई द वे ठीक है मर्क्यूरी सॉरी एंड दिस द प्रोडक्ट विच वी आर गेटिंग विच इज एच जी ओ ठीक है तो शुरुआत में अगेन इफ यू हैव टू फाइंड आउट एनी काइंड ऑफ चेंज वी हैव टू कंसिडर फाइनल माइनस इनिशियल सो फाइनल मूल्स जो है वो कितने हैं जीरो माइनस इनिशियल मोल्स कितने थे इनिशियल मोल्स वाज़ बेसिकली दिस होल राइट सो बेसिकली देर वाज़ वन मोल ऑफ मोर्क्यूरी राइट प्लस हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन तब जाके ये एच जी ओ बना है राइट right? ठीक है सो द डेल्टा एन वैल्यू और चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स वैल्यू विल बी नथिंग बट ये माइनस एज इट इज रह जाएगा एंड इट विल बी गेटिंग थ्री बाई टू ये डेल्टा एन का वैल्यू हमको मिल गया ठीक है ये सारे वैल्यूज हमको मार्क करके रखने डेल्टा एन देन यहां पर डेल्टा यू फाइंड आउट किया था राइट गेटिंग मी नाउ फर्दर मोर इफ यू हैव टू कैलकुलेट दी डेल्टा एच अगर मुझे एंथालपी ऑफ कंबन फाइंड आउट करना है सो आइल

डेल्टा एन इन टर्म्स ऑफ कैश आर टी ठीक है यहाँ पर कौन सा सिंपली डेल्टा एच इज़ इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी ये सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया है ऑल राइट ठीक है ना इफ़ यू हैव टू कैलकुलेट वी है इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट दी डेल्टा एच एन थैलपी ऑफ कम्बन इट विल बी डेल्टा यू का वैल्यू क्या था इट वॉज माइनस वन फोर्टी एट राइट इट ओवर हिमास वन फोर्टी एट प्लस डेल्टा एन का वैल्यू क्या था माइनस थ्री बाई टू वैल राइट माइनस थ्री बाय टू इन टू आर का वैल्यू ऑलरेडी हमको दे रखा था विच वॉज एट पॉइंट थ्री अब ये एट पॉइंट थ्री जूल में दिया था वी हैव टू कंसिडर इट एज किलो जूल तो यहां पर जस्ट राइट एट पॉइंट थ्री इंटू टेन डे टू माइनस थ्री इंटू द टेम्परेचर इज नथिंग बट टू नाइंटी एट यहां पर मैंशन किया है टू नाइंटी एट टू नाइंटी एट राइट एवरी पैरामीटर वॉज इन विद रिस्पेक्ट टू टू नाइंटी एट कैलविन यहाँ पे टू नाइंटी एट आई जस्ट मैंशन अवर हेयर ठीक है कैलकुलेशन करने के बाद विल गेट समथिंग लाइक दिस यहां पर लेट्स राइट इट ये टू टू का कट हो के फोर पॉइंट फाइव मिल जाएगा यहाँ पे सो द वैल्यू विच विल बी गेटिंग इट विल बी समथिंग अराउंड माइनस थ्री पॉइंट सेवन वन ज़ीरो ठीक है एंड कैलकुलेटिंग दिस विल गेट माइनस वन फिफ्टी वन पॉइंट सेवन वन ज़ीरो किलो जूल पर मोल This is nothing but the value for delta H, which is enthalpy of combustion. Now, again, we don't have to forget that Hg could be in the form of liquid also. And the same reaction will be following over here and forming HgO solid. एंड क्वेश्चन में हमको पूछा है स्टैंडर्ड मोलार एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन ठीक है गेटिंग मी सो वी हैव टू कंसिडर दिक्विड फेज ऑल्सो ठीक है नाउ टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथेल्पी फेज स्टैंडर्ड एंथेलपी ऑफ कंबोशन कंसिडरिंग बोथ दैल्यूज विल गेट Delta H, which is enthalpy of formation of HGO, mercuric oxide, minus enthalpy change of where HG liquid is getting converted into HG gas. राइट प्लस हाफ ऑफ डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ ओ टू बिकॉज अगेन कम्प्लीट ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं है बाई पोटिंग ऑल दैल्यूज विल गेट समथिंग लाइक दिस इसका वैल्यू फॉर्मेशन ऑफ एच जी ओ वॉज वी हैव कैलकुलेटेड जस्ट माइनस वन फिफ्टी वन पॉइंट सेवन वन जीरो Alright, this was the enthalpy, com uh, enthalpy of combustion. So I'll write it on the left hand side. Minus 151.710 equals to formation of HGO, we have to find out. Minus 61.32. प्लस अब यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए वी डोंट हैव एनी एंथेलपी सो वी कैन कंसिडर इट एज जीरो नाउ ऑफ वी आर कंसिडरिंग डेल्टा फॉर्मेशन ऑफ एच जी ओ विल बी गेटिंग माइनस वन फिफ्टी वन फिफ्टी वन पॉइंट सेवन वन जीरो प्लस सिक्सटी वन पॉइंट थ्री टू Which will give around 90.39 so the standard enthalpy formation for hgo is nothing but जी ओ इज नथिंग बट नाइन्टी पॉइंट काफी बड़ा क्वेश्चन लगता ही है काफी ट्रिकी भी है राइट right? बट वी हैव टू रीड आउट द क्वेश्चन अच्छे से ठीक है एंड देन यू विल बी एबल टू सॉल्व इट आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा ऐसे बहुत सारे और क्वेश्चन करेंगे टिल देन टेक केयर बाय